तो फिर इस वीडियो में हम लोग वुड कटिंग ब्लेड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी कंपनी का वुड कटिंग ब्लेड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो है ये 7 इंच का है। तो यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर RPM 8500 है लिखा हुआ है, और पिछली साइड में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो MRP है, MRP देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर 440 यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर मेरा लोकल मार्केट में 345 में मुझे मिला है। तो ऑनलाइन में इसका प्राइस कितना है वो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। फिलहाल ये जो हमने काटिंग ब्लेड है, ये हमने जो ग्राइंडर स्टैंड है, स्टैंड के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, इसी स्टैंड के साथ यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ले लिया था। मगर यहाँ पर 7 इंची नहीं होगा, यहाँ पर 4 इंची 5 इंची तक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे की साइड में जो बेस है, बेस में यहाँ पर लग जा रहा है, तो इसलिए हमने ये ओपन नहीं किया है। यहाँ पर 4 इंची का जो काटिंग जो ब्लेड है, ब्लेड हमने ले लिया है, तो वही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये जो ग्राइंडिंग स्टैंड है, ये आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे यहाँ पर फिटिंग वगैरह करना है, वो वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई मिल जाएगा, नहीं तो नीचे दे देंगे, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 इंची का हमने ले लिया है, और इसका जो प्राइस है ये 190 हमने लोकल मार्केट में ले लिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक ही कंपनी का है, पृथ्वी कंपनी का है, मेड इन इंडिया, ये कलकत्ता में तैयार होता है। तो इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप लकड़ी वगैरह आप काटने चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर इस जो काटिंग ब्लेड से आप कोई भी मेटल आप काटिंग मत कीजिएगा, तो ये जो डिश है, ये डिश ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर MRP 480 रुपीज़ लिखा हुआ है, मगर मेरा लोकल मार्केट में तो 190 ले लिया है। तो और ऑनलाइन में कितना प्राइस में सेल हो रहा है, तो वो भी नीचे में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जो अच्छा कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वही हम लोग नीचे में लिंक दे देंगे। तो और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको लकड़ी वगैरह काटना है तो लकड़ी काटने वाला जो ब्लेड है, ब्लेड ही आप ले लीजिए, वो लेके आप यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर इस ब्लेड से आप कोई भी मेटल वगैरह आप काटने की प्रयास मत कीजिएगा, तो ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड ख़राब हो जाएगा, तो फिर से और एक आपको लेना पड़ेगा। और एक बात लेने के टाइम आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो टीथ है, कितना टीथ का ये ब्लेड है, वो उसके हिसाब से इसका प्राइस होता है। तो जितना ज़्यादा टीथ होगा, उसके प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कम टीथ वाला जो ब्लेड है, उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम होगा। तो देख सकते हैं, ऐसे क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा कंपनी है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, बहुत साल से यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ लकड़ी यहाँ पर कटिंग करेंगे तो बहुत साल तक आप यूज़ कर सकते हैं एक ही ब्लेड से। तो ये हम लोग हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ग्राइंडिंग मशीन में हमने यहाँ पर ले लिया है, तो ग्राइंडिंग मशीन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हिताची कंपनी, अभी नेम चेंज होकर अब हीको की हुआ है। तो इस ग्राइंडर मशीन का फुल वीडियो आपको देखना है तो ऊपर में मिल जाएगा, नहीं तो दे देंगे, वापस जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो डिश है, डिश जब आप यूज़ करेंगे, ज़रूर यहाँ पर जो औषध दिया गया है, औषध आप जरूर यहाँ पर मिडिल में लगा के उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा। और उसके देखिए यहाँ पर सही से यहाँ पर फिटिंग हो गया है। तो अभी यहाँ पर ऊपर की साइड में जो औषध दिया गया है टाई देने के लिए, तो वो आप टाई दीजिएगा। तो फिर एक गलती हमने यहाँ पर कर लिया है, तो देख सकते हैं ये जो डिश है, ये डिश दूसरी साइड में यहाँ पर रोटेट होगा। तो आपको आपके जो ग्राइंडर मशीन है वो किस तरह रोटेट होगा वो आप देख लीजिए। ग्राइंडर मशीन का पीछे की साइड में यहाँ पर टिक मार्क दिया गया है, तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो काटिंग ब्लेड है, ब्लेड आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए इस साइड रोटेट होगा, तो इस साइड रोटेट होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से आप ये यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपके पास कोई भी ऐसे कोई ग्राइंडर मशीन है तो आप ऐसे स्टैंड ले लीजिएगा, तो लेके आप काम कीजिएगा, तो जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वो नहीं होगा। तो ज़्यादातर ये जो ग्राइंडर मशीन है, ये यूज़ करने के टाइम बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हमने ये स्टैंड ले लिया है। अभी इस 5 इंची का जो वुड कटिंग ब्लेड है, ब्लेड हम लोग यूज़ करेंगे, तो इस ग्राइंडर मशीन में हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो देख सकते हैं एक ऐसे यहाँ पर लगी।
तो इस लकड़ी का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए एक बार में कटिंग नहीं हुआ है, तो फिर से दूसरी साइड में से भी कटिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने देखिए दूसरी साइड हमने ले लिया है। तो फिर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कटिंग हुआ है। तो यही छोटा सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो कीजिए, मेरे चैनल को दबा दीजिए।